नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीति का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। इस वक्त प्रत्याशियों की जुबान पर कोई लगाम नहीं है। इस बीच मेरठ दक्षिण से सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी के वायरल वीडियो को लेकर हंगामा मचा हुआ था कि अब मेरठ शहर से कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी पर जुबानी तीर चला दिए। कांग्रेस प्रत्याशी रंजन शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने मेरठ शहर से भाजपा प्रत्याशी कमलदत्त शर्मा का नाम लेते हुए कहा कि मैंने उनके लिए कब्र खोद दी है और मिट्टी डालने का काम आपको करना है। इसके साथ कांग्रेस प्रत्याशी वीडियो में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मौजूदा विधायक को जिताने का काम उन्होंने किया था, लेकिन वो अपने किसी वादे में खरे नहीं उतरे। इस बयान के बाद भाजपा प्रत्याशी कमलदत्त शर्मा भी उखड़ गए। उन्होंने कहा कि कब्र जिसमें खोदते हैं वो धर्म दूसरा है, क्या उन्होंने धर्म बदल लिया है? मेरठ शहर से भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि कोई भाजपा के कार्यकर्ता की कब्र नहीं खोद सकता। उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। कमलदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को भगवान सद्बुद्धि दे। वहीं अपने बयान पर सफाई देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रंजन शर्मा ने पहले पत्रकार से पूछा कि कौन सा वीडियो है। इसके बाद जब उन्हें बताया गया तो वह कहने लगे कि ये चुनावी बयान है। उनके कहने का मतलब ये है कि आगामी 10 तारीख को जनता जवाब देने जा रही है, यानी मिट्टी डालने जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें होती हैं क्योंकि मैं चुनाव में हूँ। इसके साथ रंजन शर्मा ने कहा कि वो यही रहते हैं और अपने शहर को एक ही घर मानता हूँ। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।